नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जैसा कि हमने पूर्व में कहा था, चीन पर भरोसा करना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। चीन की एडीसी से वापसी का जो ढिंढोरा पीटा गया, यह उसी का नतीजा है कि आज हमने अपने 3 जवान गंवा दिए। हम आत्मविश्वास में भरे रहे और मीडिया में बैठकर बड़े बड़े दावे करते रहे कि 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत की हवाई उड़ाने भरते रहे। उधर चीन चुपके से पीठ पर खंजर घोपने को आधी रात को आ धमका। हैरानी वाली बात यह है कि हम अब भी संयम के साथ कहते हैं बातचीत जारी है। अगर ऐसा ही घटनाक्रम पाकिस्तान के साथ हुआ होता, क्या तब भी ऐसी सहनशीलता और कूटनीति का परिचय दिया जाता? चीन ने चुपके से घात लगाई और 3 जवानों को शहीद कर दिया। अभी भी जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि विवादित हिस्सों पर झड़प हुई है। बाद में हमारे साथी जवानों ने प्रतिक्रिया के रूप में जो शौर्य दिखाया, उसका सबूत चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दिया है। उसके एडिटर ने ट्वीट किया है कि 5 चीनी सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि कई सैनिक घायल हैं। 45 साल के अंतराल के बाद दोनों देशों के बीच यह पहला जानलेवा टकराव हुआ है। रक्षा मंत्री पीएम मोदी के साथ मीटिंग करके लौट चुके हैं, जबकि सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने अपना पठानकोट दौरा रद्द कर दिया है। इसका मतलब यह है कि स्थिति बेहद ही गंभीर और तनावपूर्ण हो चुकी है। हालात जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर बातचीत भी चल रही है। ढिंढोरा यही पीटा जा रहा है, यह 1962 वाला भारत नहीं है। पर सवाल यही है कि आक्रामक चीन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत 1962 वाला है या 63-64 वाला भारत है। उसके अपने मंसूबे हैं, उसे उन्हें पूर्ण करना है। बेशक भारत मिट्टी का माधव बनकर 2020 के भारत के गुमान में तीरंदाजी करता रहे, उसे इससे कोई फर्क ना पड़ा है और ना ही भविष्य में पड़ेगा। भारत को यह नहीं देखना चाइना ने क्या खोया, उसे अपने उन जवानों के बलिदान पर एक्शन लेने की जरूरत है जिन्हें पीछे से निशाना बनाया गया। पर यह हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि यहां जंगे धरातल पर कम, मीडिया पर ज्यादा लड़ी जाती है। भारत की मीडिया ने इसका अभ्यास शुरू कर दिया है, जबकि सरकार बैठकों में व्यस्त है और अभी भी बातचीत को लेकर आशान्वित है। वैसे ऐसी आशाओं की वजह से ही चीन को आभास हो चुका है कि 1962 से लेकर आज तक चीन के प्रति भारत की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यहाँ आज भी गांधी के 3 बंदरों की पूजा होती है, अवसर मिलने पर उनका अभिषेक भी किया जाता है। उसे आभास है कि यहाँ के नेता उछलते ज्यादा हैं, छलांगे कम लगाते हैं, इसलिए एलएसी से कहने से पहले ही कदम वापस खींच लेते हैं। यही वजह है कि चीन एलएसी को पार करके भीतर घुसता है। हम घुसने की बजाय पीछे हटते हैं, फिर पीठ पर जख्म खाते हैं, शहीद होते हैं, उसके बाद ऐलान होता है बातचीत से मुद्दे को सुलझाया जा रहा है। पर यही बातचीत करनी है तो हवाई जहाज और सड़कों पर गाड़ियों का तेल क्यों फूंका जा रहा है? बड़ी बड़ी तोपे, टैंक और आर्टिलरी का बवंडर क्यों खड़ा किया जा रहा है? अगर यह चीन पर दबाव डालने की रणनीति है तो यह पूरी तरह असफल है। कल रात हुई झड़प ने इसे पूरी तरह साबित कर दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।